बिजनेस में सूद इतनी इंपॉर्टेंट फाइल यहां ऐसे छोड़ दी। काम पर फोकस करना पड़े, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे पास आओ, आ जाओ। मुझसे प्यार करो, इतना प्यार करो कि मेरे लिए पूरी दुनिया को भूल जाओ। तुम्हारे लिए क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, सब भूल जाओ। इस पल के लिए तुम मेरी दीवानी हो जाओ। मुझ पे फिदा, मुझ पे जान निछावर करो, मुझ पे मर मिटो। इतना प्यार करो। हाँ पिच्छू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी और किसी से नहीं, सिर्फ तुमसे। हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तुमसे प्यार। पहला तीर तो लग गया निशाने पर, अब दूसरा तीर चलाना है। ओ लावण्या, रक्षित की जिंदगी से तेरा किरदार हुआ खत्म, अब रक्षित की दुल्हनिया बनेगी जी। रक्षित आना बेटा। मॉम प्लीज, दिस इज रियली अर्जेंट, एक कॉन्फ्रेंस कॉल। अरे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, जस्ट 10 मिनट्स, ओके? अरे रक्षित बेटा, काम देखो, कभी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड किया करो। देख के लगता है कि पलटन तेरा ही वेट कर रही थी, कब रक्षित द ग्रेट आएंगे और हम उस पे अटैक कर लो। शिखर मारूंगी। हाँ मम्मी जी, पापा जी, मैरी, एश, हेलो, हेलो चाची जी, नमस्ते। शिखर भैया, तुम जियो हजारों साल। चलो अब सब यहाँ पर आ गए हैं, और जिसका इंतजार कर रहे थे रक्षित, वो भी यहाँ पर है, तो मुद्दे की बात कर ले हैं जी। हाँ बेटा, किसी ने सोचा भी नहीं था कि तू लवण्या को रिंग पहनाने जाएगा और ऐन वक्त पर इतना बड़ा भूकंप आ जाएगा। ओह माय गॉड, मैं तो मर ही गई थी, आई वाज डेड। मॉम, पर आप तो जिंदा हो ना? शिखर। मॉम प्लीज रिलैक्स, मैंने बिल्डिंग अथॉरिटीज से बात कर ली है, किसी को चोट नहीं लगी, कुछ फ्लोर्स पर दरारें आई हैं, पर बिल्डिंग सेफ है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। बेटा मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, सगाई के ऐन वक्त पर इतना बड़ा भूकंप आना अपशगुन होता है। महाअपशगुन। मॉम आज कर लेंगे। लवण्या, मैं गई थी उन्हें बुलाने, बट उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, आई थिंक अंदर से डोर लॉक कर रखा है। अपसेट होगी बेचारे। इट्स ओके, मैं बात कर रहा था। नहीं नहीं बेटा, मैंने पंडित जी को बुलाया है। मेरे पंडित जी? yeah. उनके पास बहुत बड़ी सिद्धि है, यू नो। कुछ हो ना हो, हर पंडित के पास सिद्धि जरूर होती है, लाइक पीएचडी की डिग्री, यू नो। शिखर, पंडित जी लिफ्ट में हैं। Really? वो बस आते ही। I think आ गए। अरे पंडित जी, आ गए आप? आइए आइए, और जल्दी से बताइए कि मेरे भतीजे रक्षित और उसके होने वाली पत्नी लावण्या के स्टार्स क्या बोलते? यही चाहते हो ना तुम? कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूं? करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। पंडित जी, ये लवण्या की बर्थ डेट और बाकी डिटेल्स हैं। लाइए, सितारों की दिशा और दूरदर्शन। तुम कहाँ जा रहे हो? मां कुछ काम है। ये क्या कर रहे हैं आप जी? आपने कुंडली पहले किसी को दिखाई थी क्या? नहीं, वो लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे, शादी तो होनी थी इसलिए कुंडली नहीं दिखाई। अनर्थ और अनर्थ। हाँ, व्हाट?
आप सबकी किस्मत अच्छी है जो भूखा पाया और सिर्फ छूकर चला गया। और हर पसंद किस्मत में नहीं लिखी होती, और इनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी थी, और देखिए सगाई भी नहीं है। रक्षित की कुंडली में किसी मीन राशि वाली कन्या के साथ विवाह लिखा है। कोई है यहाँ पर मीन राशि वाली कन्या? राशि राशिया है ना? हाँ, स्टूपिड, वो मीन राशि की बात कर रहे हैं। मेरा नाम राशि है, सन साइन है। यहाँ जिसकी राशि मीन है, तुम्हारे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं, जादुई शक्तियाँ हैं, उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। मेरी राशि तो मीन है, क्योंकि मेरी सिद्धि मुझे संकेत कर रही है कि जो लड़की रक्षित के लिए बनी है वो यही है और उसकी राशि मीन है। मीन राशि। झूठी कहीं की, सौ से शादी करने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल रही है। क्या पागलपन लगा रखा है? ये पागलपन नहीं, ये किस्मत है। अगर दूसरी लड़की के साथ शादी की तो घोर अनर्थ हो जाएगा। लाइए इस कन्या की कुंडली मुझे दीजिए, मैं अभी आपके बेटे की कुंडली के साथ मिला देता हूँ। ऐसे कैसे? ये कुंडली किस्मत क्या लगा रखा है, मैं इन बातों को नहीं मानता। बेटा हम ये नहीं कह रहे कि तुझे इसी लड़की से शादी करनी है। तो माँ फिर पंडित जी से कहिए कि अपनी कुंडलियाँ उठाएं और जाएं यहाँ से। रक्षित, ओ गुस्सा आ गया। इस डी ने इनके घरेलू मामले में इतना बड़ा झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। पंडित जी, ये राशि, ये कुंडली, हर शादी कुंडली देखकर तो नहीं की जाती ना। दिल पसंद भी कोई चीज होती है। लवण्या अच्छी लड़की है, रक्षित को सालों से जानती है, रक्षित भी उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए ये शादी है। पर शादी का परिणाम जानती हैं आप? आपका बेटा 28 साल का होने वाला है। हाँ, वही तो हम सब भी बोल रहे हैं कि 28 से पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए, वरना। देखिए महिमा जी, यहाँ पर एक नहीं दो विकट समस्याएं हैं। पहली, आपको अपने बेटे की शादी एक मीन राशि वाली कन्या के साथ ही करनी होगी। दूसरी, 17 मार्च को 8 बजे से पहले करनी होगी, क्योंकि उसके बाद उसका मृत्यु काल शुरू हो जाता है और उसका सामना करने के लिए फिर वो जीवित रहे या नहीं। क्या मतलब? मतलब अगर 17 मार्च को 8 बजे से पहले आपके बेटे की शादी नहीं हुई, वो भी मीन राशि वाली लड़की के साथ, तो उसकी अकाल मृत्यु तय है। क्या? हाँ, आपके बेटे के 28 साल पूरे होते ही उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा, काल आएगा। इस काल को टालने का सिर्फ एक ही उपाय है, 17 मार्च को 8 बजे से पहले आपकी बेटे की शादी हो जानी चाहिए। 17 मार्च, इस तारीख का रहस्य क्या है? यह तारीख और ये दिन बहुत शुभ है। अगर इस तारीख को आपने अपने बेटे की शादी नहीं कराई तो उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। हाँ तो भैया, कर लेंगे उसी डेट को शादी लावण्या भाभी के साथ। नहीं, उस लड़की से शादी मौत से भी बदतर होगी। कोई मीन राशि वाली कन्या होगी तो जीवन है, वरना मौत। ये सब उस कन्या से अगर आपके बेटे की शादी हो जाए तो आपके बेटे को किसी मौत का कोई डर नहीं। पंडित जी, इस काल को काटने का और कोई उपाय नहीं है, जैसे कोई पूजा पाठ कुछ? अगर आप इस कन्या से अपने बेटे का विवाह करवाना चाहती हैं, तो इस कन्या की मुझे कुंडली भेज दीजिए। पर याद रहे, शादी नहीं तो रक्षित नहीं। थैंक यू सो मच पंडित जी, आपने हमें मौत से बचा लिया। यू नो, नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने बेटे को। ये सब कितना हॉरिबल था ना, यू नो, अगर रक्षित की शादी लावण्या से हो जाती और। तो जाली जाली। अरे भाभी, ये पंडित बहुत बड़ा ज्ञानी है, डोंट टेक हिम लाइटली। लेकिन ये सब कैसे? लावण्या इतनी अच्छी लड़की है, कैसे? लेकिन किस्मत की आंखें कुछ और देखना चाहती हैं भाभी। लुक एट मी, आई मीन बुरी लड़की नहीं है, नाइस गर्ल। लेकिन रक्षित को कौन समझाएगा, एक पल में अपनी पसंद कैसे बदलती। आप क्या चाहते हैं, मर जाए? अरे क्या बोल, शुभ शुभ बोलिए, मैं रक्षित से बात करूंगी। पंडित जी ने इतनी बड़ी बात कही है तो बात करनी होगी मुझे। मीन कन्या, बोलो बच्ची। वो आप कह रहे थे ना शादी कुंडली और राशि, मैं अपनी कुंडली आपको भिजवा दूं, आप एड्रेस दीजिए प्लीज। मैं रमता जोगी, मेरा क्या पता क्या ठिकाना। नो इश्यूज, मैं आपके नंबर से अपने फोन पे हाई भेज रही हूँ, आजकल तो यही एड्रेस चलता है। तो अभी आपके पास मेरा नंबर है, मेरे पास आपका नंबर, आप जहाँ भी होंगे वही मिल जाएगा आपको। थैंक यू। हे यूसफी, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है दिमाग में? माय गॉड, लुक एट द एटीट्यूड प्लीज। हाँ, मेरे होने वाले हस्बैंड की एक मामूली सी भी है, मुझे एटीट्यूड दिखाए, आई रियली डोंट लाइक इट। अब पंडित जी नमस्ते। आप ऐसे कैसे, वो लड़की एक पल में आपने ऐसे कैसे कह दिया उससे शादी कितनी बड़ी बात है और बिना कुंडली मिलाए ऐसे कैसे? कोई भी नहीं, सिर्फ मीन राशि की कन्या, वो हमारे सामने हो तो कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है,
उसका चेहरा देख के बता सकता हूँ कि यही है जो रक्षित के लिए बनी है। पर पंडित जी, ये लड़की मस्त। तो फिर चेहरा देख के ये क्यों नहीं बता सकते कि ये लड़की एक नंबर की चोर, झूठी और धोखेबाज है? नहीं, मैं इस दी को इतनी आसानी से इतना बड़ा धोखा तो नहीं देने दूंगी। मैं इसकी शादी रक्षित से तो नहीं होने दूंगी। ये क्या लगा रखा है, शादी शादी शादी, सब पागल हो गए। हाँ, मुझे सब पता है भाई। तुझे कुछ नहीं पता है, ये 28 साल से पहले शादी का फंडा, ये टेंशन, ये सब। हाँ, लेकिन मेरी लाइफ में इस टेंशन को आने को टाइम है। ओ, रिलैक्स ब्रो। अच्छा, मुझे ये बता कि तेरे और लावण्या के बीच में वो कुछ नहीं। ओके, तो अब तुझे वो नई वाली चिक पसंद आई, इसका मतलब तुझे वो चाहिए। तुझे लगता है कि वो लावण्या से ज्यादा हॉटी, ज्यादा प्रिटी, क्या नाम है उसका? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चिक नहीं, लड़की है। एंड सेकंडली, तेरी बातों से लग रहा है कि वो तुझे हॉटी प्रिटी लगती है। ओह गॉड ब्रो, लाइक सीरियसली, तुझे ऐसा लगता है कि तेरा भाई सिंगल? सिंगल? ऑफ कोर्स, कॉज पिछले 10 मिनट से तूने अपने फोन की तरफ देखा भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? तेरा डायना के साथ ब्रेकअप हो चुका है। अब ये डायना कहां से बीच में आ गए? हम तो वो चिक, आई मीन लड़की के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है उसका? व्हाटएवर, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार भाई, तू इतना टेंशन मत लेगा, तू इतना टेंशन क्यों लेगा? तू बस मुझे बता कि मुझे क्या करना है। उस हॉटी ब्यूटी लड़की को मुझसे दूर करना है, कर सकता है? बस इतनी सी बात? आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ है कि तूने मुझे बोला और मैं ना कर पाया? बहुत बार। लिस्ट बना कर दूं? ओके, नो यू वरी नॉट, ये तो मेरे लिए एकदम छोटा सा काम है। तू डर मत, क्योंकि मैं हूं ना शेर दिल, शेर गिल, तेरे लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा मेरे भाई। गिव मी हाई फाइव। चुपचाप क्यों खड़ी हो? बोलो, अब तुम्हें क्या बोलना है? मसूद, वो मैं आपको देखने आई थी कि आप देखने आई? देखो, श्योर, पहले मेरे उस क्रेजी कजन शिखर ने अपने स्टूपिड सवालों से मेरा दिमाग खराब कर दिया। उसके बाद मेरी इमोशनल मॉम एक दिन पहले कहती है कि 28 के होने वाले हो, लावण्य से शादी कर लो, और अगले दिन कहती है कि लावण्य से शादी मत करो, स्टूपिड डी से शादी कर लो। आप नहीं करेंगे ना? तुम यही पूछने आई हो? नहीं, I mean, मुझे नहीं लगता आपको उसे शादी करनी चाहिए। तो लावण्य से कर लो। So, वो मैं कैसे बता सकती हूँ? वैसे ही जैसे तुमने पहले बता दिया कि ये करो और ये मत करो। जवाब दो, लावण्य से शादी कर लो। So, वो मैं किस? समझ लो, तुम्हारे सर पे गन रखी है और तुम्हारी जॉब भी इसी जवाब पर डिपेंड करती है। जवाब दो, लावण्य से शादी करूं या नहीं? आपको तो उनसे भी कोई अच्छा? उनसे भी अच्छी, तुम जैसी अच्छी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था? देखा था मैंने, जैसे ही पंडित ने मीन राशि वाली लड़की के बारे में पूछा, तुमने ऑन द स्पॉट अपना हाथ ऊपर कर दिया था। अब झूठ मत बोलना, सच सच बोल दो मिस सूद। अब दो सवाल उठते हैं, तुमने हाथ ऊपर क्यों किया और तुमने हाथ नीचे क्यों किया? वो मैं, मीन राशि है तुम्हारी? नहीं, मैं नहीं बता सकती, पता नहीं। अपनी राशि नहीं पता? हाँ, नहीं पता। तो फिर हाथ क्यों उठाया? वो मैं तो मीन राशि बोलकर मुझसे शादी करना चाहती थी। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कंफ्यूज हो गई थी और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं मैंने। मैं बताता हूँ तुमने क्या सोचा था। मैं सूद, शायद तुम यही कहना चाहती थी कि तुम मीन राशि की हो इसलिए तुमने हाथ खड़ा किया, लेकिन तुम डर गई थी और तुमने हाथ नीचे कर लिया। अब यहाँ मुझसे ये कहने आई हो कि डी से शादी मत करो और लावण्य से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि मैं लावण्य से शादी करूँ या नहीं। लेकिन मैंने डी के बारे में नहीं पूछा था, उसके बारे में तुमने खुद कहा। क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। ओह, तुम्हें लगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे तब लगा था जब वो नकली मिस्टर रंधावा आया था और मैंने आपकी कंपनी बचाई थी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने कहा कि डी से शादी मत करो, पंडित ने और अब मेरी मॉम ने भी कह दिया कि लावण्य से शादी मत करो। इन दोनों को छोड़कर तीसरा बचा कौन? किससे शादी करो? सर प्लीज, मुझे मुझे मत पूछिए, मुझे ये सारी बातें मत कीजिए। विल यू मैरी मी? नहीं, तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया मसूद? नहीं, मुझे आपसे प्यार हो ही नहीं सकता। मुझे आप वैसे नहीं लगते, आई मीन मुझे आप अच्छे नहीं लगते, मुझे आप बेदिल शेर के लगते। We'll be right back.
देखो बेब्स, कब से तुम्हें कह रही हूँ कि राइट है, सही है, कर लो, क्योंकि अगर रक्षित की शादी लावण्या से हो गई तो वो मर जाएगा, वो मर गया तो लावण्या भी मर जाएगी, मतलब लावण्या क्या करेगी? प्लीज आप लोग मेरे बेटे के मरने मराने की बात मत कीजिए। मैं कुछ बोलूं? मैं कहती हूँ कोई भी बात मत करो, सिर्फ महिमा भाभी आप बात कर सकती हैं जी। चलिए शुरू करिए। देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये बहुत ही अचानक है, हर लड़की का हक होता है कि उसके होने वाले पति को वो अच्छे से समझे, जाने, लेकिन नहीं, टाइम स्पेंड करे, लॉन्ग ड्राइव पे जाए, डेट पर जाए, पर मैं तुम छोड़ो, किस्मत, देखो किस्मत तुम्हें यहाँ लेकर आई और वो भी लावण्या की फ्रेंड बनाकर, अब तुम्हें उसकी जगह मिल रही है, सो ले लो, चेक इट, डेस्टिनी, किस्मत। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पर बेटा प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लो। अगर रक्षित की जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होता ना, मैं तुमसे कभी नहीं कहती। यू सी, जिंदगी, मौत, माँ की जान, बेटे की जान, सब तुम्हारे हाथ में, प्लीज बचा लो। आंटी जी, मैं आपका हेल्प करना, मतलब पंडित जी ने कहा है तो सही कहा होगा, और आपको भी ऐसी लगता है तो सही होगा, मतलब तुम्हारी हाँ है? इट्स यस। हाँ, लेकिन इतना बड़ा फैसला मैं अकेली ही नहीं सकती, यू हैव टू टॉक टू माय पेरेंट्स, तो अगर उन्होंने हाँ कहा है देन आई डोंट माइंड। यू डोंट वरी, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ, तो फिर ये उनका नंबर है। हाँ, दो। थैंक यू सो मच बेटा। मैं आती हूँ। शर्म आ गई। I'm sorry. शर्गिल, वो आपको फोन करेगी, वो मेरे रिश्ते की बात करेगी अपने बेटे रक्षित के साथ, आप बस हाँ बोल देना, ओके, बाय बाय बाय। हे भगवान, शादी कर रही है, जल्दी जल्दी फोन लगे। हेलो हेलो मिसेस वालिया। हाँ जी, हाँ जी, आप माहिम से, आई मीन आप महिमा जी बोल रही है ना? अच्छा, तो उसने आपको पहले ही बता दिया, अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आपको और आपके हस्बैंड को इनवाइट करना चाहती हूँ, आप शेरगिल हाउस आइए ना। वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है रक्षित, और मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई, उसी के रिश्ते की बात करनी है, आप आएंगे ना? हाँ जी। Yo, Miss Sanrita. You lucky girl, huh? Mrs. Rakshit Chergil banne wali ho. Tum ekdam kismat wali ho. Do you know that? नहीं नहीं, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो सबके लिए सही है। Oh come on, अब ये नहीं कहना कि रब ने बना दी जोड़ी। I know रक्षित चेरगिल एक बड़ा नाम है, बड़ा चाम है, लड़कियों से एक बार हैंडशेक करे तो ऊपर से नीचे तक शेक हो जाती है, और जब से तुम उसे मिली हो तब से तुम उसके पीछे पागल, उसके पीछे दीवानी, that too. Oh really? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बचपन से यहीं पे रहते हो, कल ही तो आए हो। तीसरी आंख है मेरे पास जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ देख लेती, और मैं जानता हूँ कि लड़कियां मरती है मेरे टू स्ट्रॉन्ग टू साइलेंट कजिन रोपर। मैं उन मरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। ओह नाइस, तो किस टाइप की अलग हो यू मिस? डी डी, ओके फाइन, तो किस टाइप की अलग हो तुम? वही बड़े नाम, बड़े शान, लट्टू, पागल, दीवाना टाइप्स। मैं सबकी नजर में नजर वाली नहीं हूँ, मेरी खुद की चॉइस है। नाइस, अच्छा लगा। तो मिस पसंद, क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? नहीं करती हो? एग्जैक्टली नहीं करती हो? नहीं। हाँ, इसका मतलब करती हो? हाँ ऑब्वियसली। लगती नहीं हो? क्या, मेरे भाई की टाइप ही नहीं लगती हो तुम? कहना क्या चाहते हो? मैं एक्चुअली यू नो, खैर चलो जा रहे थे। क्या बदतमीजी है ये? गिरने वाली थी तुम। तुम क्या हो, कैसी हो, किस टाइप की हो, बता दो। हाँ बताओ, कैसी हूं मैं जानना चाहती हूँ, खुद पता कर लो। Watch it, Senorita. Star Plus के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।